नमस्कार G24 लाइव न्यूज में आपनु स्वागत छे। તાજેતરમાં પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણી દરમિયાન અને ચૂંટણી બાદ તેના પરિણામ સમયે ટીએમસીના આગેવાનો અને કાર્યકરો દ્વારા ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ઉપર હુમલો કરી અને અત્યાચાર કરી અને કાર્યકર્તાઓની નિર્દયી હત્યા નિપજાવવામાં આવી હતી, જેનો દેશમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે આણંદ જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા આણંદ નગરપાલિકા પાસે વિરોધ કરીને સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા છે। आणंद जिला भाजपना संगठन द्वारा आणंद नगरपालिका पासे स्थानिक भाजपना आगेवानो अने कार्यकरो द्वारा धरना योजी विरोध करवामां आव्यो हतो अने सूत्रोच्चार करीने रोष व्यक्त करवामां आव्यो हतो। आ प्रसंगे आणंद जिला भाजप प्रमुख विपुलभाई पटेल, सांसद मितेशभाई पटेल सहित आणंद शहर संगठनना होद्देदारो अने कार्यकरो द्वारा धरना योजीने आ बनावने वखोड़ी काढवामां आव्यो छे अने जवाबदार लोको सामे कड़क कार्यवाही करवानी मांग करी छे। जे पश्चिम बंगाल में ममता बेनर्जी द्वारा जे हिंसा थई रही है एनी माटेना धरनानो प्रोग्राम आखा भारत देश में थई रह्यो छे। एमां आणंद जिल्ला में आणंद शहर में आणंद तालुकाना जे संगठन छे प्रमुख अने महामंत्री अने जिल्ला पंचायत सदस्यों द्वारा पण एनो ओपोज करवामां आव्यो छे। खरेखर जोईए तो भारतीय जनता पार्टी लास्ट टाइम 3 सीटों हती, एना बदले लगभग 76 सीटों अत्यारे आवी छे। परंतु जे ममता दीदी हिंसा जे ममता दीदी द्वारा जे हिंसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर थई रही है तेने अमे खूबज वखोड़ीए छे। आज जीत थया पछी पण भारतीय जनता पार्टी ज्यां आगळ जे कार्यकर्ताओ हता मोटा मोटा कार्यकर्ता एनी पर हिंसा करी रह्या छे, ए खरेखर खूबज दुखनी लागणी छे अने अमे भारतीय जनता पार्टी तरफथी खूबज वखोड़ीए छीए। पश्चिम बंगाल की अंदर चूंटी परिणाम पीछे भारतीय जनता पार्टी ने 28 जिला कार्यकर्ताओं की हत्या थी है, मकान तोड़फोड़ थी है। तृणमूल कांग्रेस सतत जातिवाद राजकारण कर बदला की भावना साथ अत्यारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं मकानों की जाननी हत्या कर रही है। एने ममता दीदी शरण करो, हिंसा की राजनीति बंद करो। अमे धरना प्रोग्राम आज योजना। ब्यूरो रिपोर्ट G24 लाइव न्यूज।